हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में न्यू जावा 42। और जावा ने 2023 में अपने 42 मॉडल को नए अपडेट्स के साथ में लॉन्च किया है। कंपनी ने यहाँ नए कलर्स ऐड किए हैं, इंजन को अपडेट किया है, इसके अलावा डायमेंशंस के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। जो कुछ एक प्रॉब्लम्स थी 42 के साथ में, उन सभी को यहाँ पर कंपनी ने रिजॉल्व कर दिया है। तो क्या कुछ चेंज हुआ है और क्या है नया प्राइस पॉइंट, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं पहले डिज़ाइन स्टाइल के साथ में। और अगर आप डिज़ाइन की बात करोगे तो जो हेडलैम्प सेटअप है वो आपको सिमिलर मिलता है, जो आपको पहले हैलोजन मिलता था वही है, साइज भी सिमिलर है, टर्न इंडिकेटर भी सेम आपको मिलते हैं। बस यहाँ पर क्या किया है कि क्लियर लेंस कर दिया है इनको, और हज़ार्ड स्विच पहले भी आता था वो अभी भी आपको मिलेगा। इसके बाद जो नया बदलाव आपको मिलेगा, कंपनी ने इसके मडगार्ड को चेंज किया है और ये नया कलर आप देख सकते हो, मैट कॉपर फिनिश आपको ये दिख रहा है। और ये मडगार्ड का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है कंपनी ने। इसके बाद में जो सस्पेंशन है इसको चेंज किया गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आपको मिलते हैं और सेम आपको सस्पेंशन ग्लास देखने को मिलेगा, लेकिन इसके सस्पेंशन के ट्रैवल को बढ़ाया गया है और जिसकी वजह से बाइक की हाइट जो है वो इंक्रीज हुई है। और उसका कहां पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आगे आपको बताता हूं। बाकी डिस्क साइज आपको सेम 280 mm का मिलने वाला है, बाइब्रे के ही डिस्क होने वाले हैं और यहाँ भी आपको ABS मिलने वाला है। अलॉय को चेंज किया गया है, यहाँ अब आपको मशीन कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। हालांकि टायर साइज सेम है, 90x90 सेक्शन का आपको 18 इंच का टायर देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूबलेस टायर है और क्लासिक लीजेंड की ब्रांडिंग आपको इसके अलॉय के ऊपर देखने को मिल जाएगी। साइड से जब आप देखोगे तो बाइक कुछ इस तरह की नज़र आती है। अब साइड में आपको पहला बेनिफिट बताता हूँ, जो इसका सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ाया गया है उसका वो आपको मिलेगा इसके ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर। पहले जावा 42 के अंदर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती थी, अब 8 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो वो इंक्रीज हो गई है और लगभग 173 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अब आपको इस बाइक के साथ में मिलेगी। और जो बाइक के साथ एक इशू था कि दो लोग अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और वो इस पर बैठते हैं तो बाइक अक्सर नीचे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में जब आप निकालते तो टच हो जाती थी, तो वो प्रॉब्लम अब आपको इसके साथ में नहीं आएगी। इसके बाद टैंक को भी कंपनी ने चेंज कर दिया है, पहले आपको 14 लीटर का टैंक मिलता था लेकिन अब यहाँ आपको 12.5 लीटर का टैंक मिलेगा। और जो स्टिकर वगैरह उनको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये टैंक हम ऑलरेडी जावा 42 बोवर में देख चुके हैं, तो वो वाला टैंक अब यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। सेम साइड पैनल के ऊपर जो स्टिकर वगैरह हैं उनको भी कंपनी ने चेंज किया है। और चेंजेस आए हैं इस इंजन के अंदर, ये इंजन अब आपको 295 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलने वाला है। रेडिएटर अगर आप देखोगे तो हल्का सा आपको इसके डिज़ाइन और लुक्स में चेंज देखने को मिलेगा। बेसिकली इस रेडिएटर के ऊपर जो कवर आता था उसको कंपनी ने हटा दिया है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो लगभग सिमिलर है, 27 bhp और 27 Nm टॉर्क के आसपास आपको इससे मिलेगा। 6-speed गियरबॉक्स आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। और जो इंजन गार्ड था उसको कंपनी ने चेंज कर दिया है, यहाँ पर अब आपको फाइबर का इंजन गार्ड मिलेगा। हालांकि ये आपको बाइक के साथ मिलेगा, और अगर आपको मेटल वाला चाहिए तो एज एन एक्सेसरी आप इसको रिप्लेस करा सकते हो मेटल वाले इंजन गार्ड के साथ में। और जो 42 अभी तक आ रही है, इसके प्रीवियस वाला वर्जन जो है तो उसमें इंजन गार्ड अब हटा दिया है कंपनी ने, वहाँ पर एज एन एक्सेसरी है, लेकिन ये फाइबर वाला आपको यहाँ कंपनी फिटेड मिलने वाला है। बाकी फुटपेक की पोजीशन वगैरह सिमिलर है, इसको चेंज नहीं किया है, हल्का सा यहाँ पर ये कवर ऐड कर दिया जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। और रियर व्हील के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, सेम 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा, सेम 120 सेक्शन का आपको टायर मिलता है, बस डायमंड कट फिनिश के साथ में आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है। और रियर सस्पेंशन भी आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्सॉर्बर मिलेंगे जो कि आपको पहले मिलते थे। और इसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे तो जो ब्रेक फ्लूइड की ये बॉक्स थी इसको कवर कर दिया है, जिससे कि इसको कोई खोल ना सके, जो कि पहले नहीं आता था जावा 42 के अंदर। टेल सेक्शन में जब आप आओगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में। मडगार्ड सेम मेटल का है, LED टेल लैंप आपको मिलता है जैसे पहले मिलता था, लेकिन इस मडगार्ड को कट किया है कंपनी ने, थोड़ा सा छोटा किया है और नीचे ये पार्ट ऐड किया है जहाँ पर यहाँ आपको नंबर प्लेट पोजिशन मिलेगी और टर्न इंडिकेटर वाला पूरा पार्ट जो है वो यहाँ पर मिलता है। अब ये पार्ट ऐड करने से इस बाइक का जो लुक है वो थोड़ा सा आपको स्पोर्टी और थोड़ा सा मॉडर्न यहाँ पर नज़र आता है, और ये वाला पार्ट ऐड होने की वजह से टायर जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि साइज़ सेम ही है, 120 सेक्शन का है। ओपन चेन कवर आपको मिलता है और डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे पहले से आपको जावा और SD की बाइक्स में मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पर मिलता है। आगे मैं आपको इसका साउंड भी सुनवाऊंगा। बाकी कंपनी यहाँ अभी भी आपको साइड स्टैंड ही ऑफर कर रही है, इंजन कट ऑफ के साथ में आता है, मेन स्टैंड आपको जावा 42 में नहीं मिलेगा। चेन कवर कुछ इस तरह का नज़र आएगा, यहाँ पर ये साइड गार्ड वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा। सीट की बात करूँ तो सिंगल सीट यूनिट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, पहले वाली ही सीट आपको मिल रही है, बस सीट के अंदर जो यहाँ पट्टी आती थी उसको हटा दिया है, वो आपको सीट कवर वगैरह अगर आप लगवाओगे तो उसमें मिल जाएगा।
टॉप व्यू में देखें तो टॉप से बाइक जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। टैंक के ऊपर आपको 42 का स्टिकर देखने को मिलेगा। हैंडल बार और स्विचेस वगैरह की बात करूं तो ये आपको सेम ही मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको मीटर टॉगल करने के लिए स्विच, हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न मिल जाता है। कंपनी ने इसके हॉर्न को चेंज किया तो वो आपको एक बार सुनवा देता हूँ। और हॉर्न जो है वो पहले से थोड़ा सा लाउड हो गया है। प्रीवियस मॉडल से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा हॉर्न हो गया। साथ ही क्लच के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं तो पहले से काफ़ी लाइट क्लच यहाँ पर फील हो रहा है। इधर अगर आप देखोगे तो ये सेम इंजन किल स्विच, हजार्ड बटन, चारों इंडिकेटर यूज़ करने के लिए और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन आपको मिल जाता है। स्टार्ट अगर आपको बाइक को करना है तो क्लच दबाकर सेल्फ लेंगे तभी बाइक स्टार्ट होगी। अब मैं आपको इसका साउंड सुनवा देता हूँ। तो देखो आइडियल पे कुछ इस टाइप का आपको साउंड देखने को मिलेगा। अब इसको रैव करते हैं। प्रीवियस मॉडल से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको साउंड में चेंज देखने को मिलता है। बाकी कैसा लगा आपको इसका साउंड मुझे कमेंट में बताना। मीटर की बात करूं तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सेम मीटर कंसोल आपको मिलता है जो पहले मिलता था। नेगेटिव बैकलाइट के साथ में आता है। बीच में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा। गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल, साइड स्टैंड इंडिकेटर और क्लॉक आपको मिल जाता है। ABS इंडिकेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी ऐड नहीं की गई है। साथ ही जावा ने अभी भी 42 के अंदर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ऐड नहीं किया है जो कि आपको यजदी रोडस्टर में कंपनी ऑफर करती है। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या कुछ बदलाव किए हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये बदलाव कितने काम के हैं उसकी बात करें तो देखो जो नया कलर ऐड किया गया है उसकी वजह से लुक्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। टोटल 4 कलर हैं जिसमें कि 2 मैट और 2 ग्लोसी हैं। कलर्स का वीडियो आपको मैं अलग से दे दूंगा जहाँ पर सारे कलर्स आपको दिखा दूंगा कितने कलर ऑप्शंस में। फिलहाल जावा 42 आपको भारतीय बाजार में मिलने वाली है। एक जो बड़ा बदलाव है, बड़ा चेंज किया है कंपनी ने, वो इसके सस्पेंशन ट्रेवल को बढ़ा के इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया है। हालांकि इसकी वजह से थोड़ी सी सीट हाइट भी बढ़ी है। अब उससे शॉर्ट हाइट राइडर्स के साथ में क्या कुछ फ़र्क पड़ता है उसके लिए कोशिश करूंगा किसी शॉर्ट हाइट राइडर के साथ में सीट हाइट टेस्ट मैं करके दिखा दूँ आपको, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो इन सभी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इसके अलावा देखो लाइटिंग सेटअप वगैरह कंपनी ने चेंज नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जावा को 42 के अंदर भी अब LED हेडलैम्प सेटअप दे देना चाहिए था क्योंकि ओवरऑल आपने पूरी बाइक को मॉडर्न बना दिया है। चाहे व्हील्स की बात कर लो, चाहे आप टेल सेक्शन की बात कर लो, तो यार फ्रंट को भी चेंज कर देते, LED दे देते तो थोड़ा सा और बेटर हो सकती थी ये। बाकी जिन लोगों को हेलोजन पसंद है उनके लिए जावा 42 है। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है, उसमें कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। बाकी बाइक चलने में कैसी है तो जब चलाएंगे तब आपको बताएंगे। कीमत की बात कर लेते हैं तो कीमत इसकी कंपनी ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई नहीं है। अभी तक जो 42 आपको मिलती थी उसमें जो कॉस्मिक कार्बन कलर आता था टॉप मॉडल, 1,98,000 रुपये एक शोरूम के साथ में आता था। और ये नए 4 कलर जो कंपनी ने ऐड किए हैं ये उसी प्राइस पॉइंट पे रखे गए, यानी कि 1,98,000 रुपये की एक शोरूम कीमत में आपको ये चारों कलर मिल जाएंगे। चारों ही कलर की सेम प्राइस है तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा कलर लेना है। बाकी कंपनी ने यहाँ पर क्या कुछ नया ऐड किया है वो सब मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।